এই বাচ্চা মেয়েটি বড় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন সমাজের মুখে, আর কি বলছে আপনাদের শোনাবো। মেয়েটি বলছে যে তার বাবাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে। তার প্রশ্ন, ডিসি এসপির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখে অফিসার হবে আর তারা কি আনপড় থাকবে, অর্থাৎ পড়াশোনা কি শিখবে না? তার আরও অভিযোগ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাবাকে ছাড়া হয় ততক্ষণ বা ততদিন পর্যন্ত সে ধর্ণায় থাকবে। क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या समा पर भी नहीं? तुम भी धरने पर आई हो? तुमको क्या कष्ट हो गया? हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रख के। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? सिक्स क्लास में, पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यानी ढीबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? हाँ। ओ, यहाँ तक के खाने के पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? हम लोग अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? तुमको कभी डीसी साहब बुलाया कि तुम बैठी हुई हो आओ बात करो? नहीं, तुम्हारा पढ़ाई बाधित हो रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन डीसी साहब पास से गुजर के गए लेकिन यहाँ तक देखे भी नहीं। खिड़की शीशा गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे तो वो हमको बुलाएंगे और मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी? सबको अंदर ले जाएगी। हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज देंगे। तो क्या मांग है तुम्हारा, क्या होना चाहिए? यही अब हम लोग का मांग है कि ढीबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की चौथा दिन है और जब तक ढीबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ चार महीने तक के भी रह सकते हैं। यही जमे रहेंगे? हाँ। वो बात मनवा के ही जाओगी? हाँ। तब पढ़ाई तुम्हारा चालू होगा? जब ढीबरा चालू होगा तब हमारा पढ़ाई चालू होगा। कौन स्कूल में पढ़ती है? SSBN। SSBN में?